जहां विश्व में एक अलग प्रकार का युद्ध छिड़ा हुआ है, सीमा को लेकर, धर्म को लेकर, प्रदूषण को लेकर। वहीं भारत में दूसरी तरफ काफी ऐसे लोग हैं जो मूलभूत समस्याओं से उभर ही नहीं पाए। वो किसी शायर ने ठीक ही कहा है, वो राम की खिचड़ी भी खाता है, वो रहीम की खीर भी खाता है, वो भूखा है जनाब, उसे मजहब कहाँ समझ आता है। मेरा नाम निधि है, आइए कुछ तस्वीरों के सहारे जाने एक भारत ऐसा भी। ये रायपुर शहर के बीचों बीच बसी एक बस्ती की कहानी है। दूर दराज का कोई गांव होता तो मान भी लिया जाता कि विकास वहां तक नहीं पहुंचा। पर प्रदेश की राजधानी में यह तस्वीरें ये बताती है कि हमारे विकास की राह कुछ ठीक नहीं। स्वच्छ भारत जीवन शैली के लिए सबसे बड़ी चीज होती है साफ और सफाई, घर के अंदर भी और बाहर भी। कई बार ये सीमा खत्म हो जाती है घर के अंदर और बाहर भी, जब किचन से लगी नाली हो या गली में बसा जीवन। शायद उन्हें आभास ही नहीं स्वच्छ भारत अभियान जैसे किसी कार्यक्रम। गरीबी रेखा से नीचे बसने वाले लोग अपने आने वाली पीढ़ी को लेकर बहुत से सपने सजो कर रखे हैं। उन्होंने इस सपनों को साकार करने के लिए अपने बच्चों का दाखिला स्कूल में तो करवा दिया, पर एक बात से आज भी अनजान है कि उन्हें आने वाले समय पर कितनी सारी मुश्किलों का सामना करना है। अपने आसपास के जीवन में खुशियां ढूंढते ये बच्चे मस्त सा जीवन जी रहे हैं। उन्हें वो मैकडॉनल्ड्स के बर्गर क्या प्यारे हो जितना उन्हें उनके दाल चावल। डर तो इस बात का है कि कहीं गरीबी, गंदगी और माँ बाप की अशिक्षित होना इनके सपने ना छीन ले। सबका साथ सबका विकास जैसे सपनों ने इन मासूमों की आंखों को छुआ ही नहीं। चुनाव के समय राजनीतिक दल इन्हें सपने तो दिखाते हैं पर साकार नहीं होते। आज भी दो वक्त की रोटी, टन भरने के लिए कपड़ा और सर पर छत कईयों के लिए स्वर्ग से कम नहीं। लाइक करें, लिंक नीचे दी हुई है। जय हिंद, जय भारत।